हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज हम यहाँ पे तीनों के तीनों चैप्टर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज पहले चैप्टर से, क्योंकि इस बुक को आज कंप्लीट कर देते हैं। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता दें, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही वही मैं बोलूँगा। इसके अलावा जो है, अगर आपने डीप पढ़ना है तो डीप पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है मानव भूगोल व विषय क्षेत्र। तो इसके बीच में पहले तो मैं आपको नॉर्मली वे में बता दूँ, बीच में आपको तीन वाद पढ़ने होंगे। वाद का मतलब क्या होता है कि कोई भी विचार, ठीक है, कोई भी विचार। ये वाद कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है पर्यावरणीय, पर्यावरणीय निश्चयवाद, ठीक है, पर्यावरणीय निश्चयवाद। उसके बाद में कौन सा है? संभववाद। और तीसरा कौन सा है? नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद का मतलब क्या है? ये आप टाइम देख लो कि जो आदि मानव के टाइम में होता था, कि आदिम मानव जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनको सब झेलता रहता था, उनके बीच में कोई भी चेंजेस नहीं करता था, वो सारी की सारी क्या कहलाती है? पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाती है। संभववाद क्या होता है? संभववाद में आदि मानव जब थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने लग गया, या उसको नॉलेज थोड़ी बहुत होने लगी, तो उसने प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं, बाढ़, आपदा, भूकंप, इन सबसे बचने का तरीका निकाल लिया। को कह दिया संभववाद, मतलब कि उसको अपने अनुसार डालने की कोशिश की। और नवनिश्चयवाद में इन दोनों का मिश्रण है। नवनिश्चयवाद में ये कहता है कि मानव जो है वो अब एक तरह से प्रकृति के ऊपर हावी है, मतलब मानव ने इतना ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया कि अब वो प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है। पहले में प्रकृति मानव को चला रही थी, दूसरे में मानव प्रकृति के अनुसार ढलना स्टार्ट हो गया, मतलब धीरे धीरे उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करने लग गया। और नवनिश्चयवाद में तो पूरी तरह ही इसने चेंज करना स्टार्ट कर दिया कि प्रकृति के अंदर ही मैं चेंजिंग कर दूं, सारा कुछ आर्टिफिशियल बनाने लग गया। ये सारी चीजें आएंगी नव निश्चयवाद में। अब इनकी जो परिभाषा है वो थोड़ी बहुत आपने देखनी है, मानव भूगोल की क्या परिभाषा है वो आपने देखनी है थोड़ी बहुत, ठीक है। उसके अलावा ये जितने भी आपको वाद बताए हैं, इन वाद में आपने क्या करना है, इन वाद के जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, वैज्ञानिक का मीन्स जिसने भी इसकी संकल्पना दी है, वो याद रखनी है। मानव भूगोल की परिभाषा रेडजेल ने किसने दिया? रेडजेल ने जो परिभाषा दिया उसका नाम, व्यक्ति का नाम रेडजेल हो गया। अब परिभाषा को भी याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एबएस अदा में ही आएंगे, ठीक है। इस चैप्टर से आपके बड़े क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांस है। एलन सी सैंपल ने कौन सी परिभाषा दिया है? पॉल डी विलास ने कौन सी परिभाषा दिया है? ठीक है, ये तीनों की तीनों परिभाषा होगी। उसके बाद में यहाँ पे मानव का प्राकृतिकरण या प्रकृति का मानवीकरण, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे मानव का प्राकृतिकरण का मतलब यह है कि मानव जब प्रकृति के अंदर रह रहा था और प्रकृति की सभी चीजों को झेल रहा था, वो तो हो गया मानव का प्राकृतिकरण। प्रकृति का मानवीकरण के अंदर क्या है? प्रकृति को जब मानव ने अपने अनुसार ढालना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे पर्यावरणीय निश्चयवाद है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में मानव का प्राकृतिकरण की ये कहानी लिखी हुई है, पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, बाकी मैंने शॉर्ट में बता दिया। संभववाद, संभववाद का नाम दिया गया, ठीक है। तो संभववाद में क्या हुआ, इसने भू दृश्य की रचना की, मानव क्रियाओं की छाप सर्वत्र, उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, नगरीय प्रसार, खेल खलियान, पहाड़ियों में चारागाह क्षेत्र, ये सारी चीजें डेवलप की हैं, तो ये सारी संभववाद में आएगी। उसके बाद में श्री में ग्रिफिन टेलर ने कौन सी वाद की कल्पना किया, तो यह आ जाएगा ग्रिफिन टेलर, नवनिश्चयवाद की संकल्पना का विकास किया, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको नवनिश्चयवाद का देखने को मिल रहा है, और जो आपकी गाइड है उसके अंदर आप जरूर चेक करें, उसके बीच में आपको बताया हुआ है कि जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है या फिर संभववाद है उसकी संकल्पना किसने दी है, ठीक है। उसके बाद में अपने चलते हैं नीचे की तरफ, इसमें और आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके क्वेश्चन बनेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र व उपक्षेत्र, बस इसी पे क्वेश्चन बनेगा। ये जो पूरा पैराग्राफ है तो याद रखना है, सामाजिक में समाज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सारी की समाज से रिलेटेड है, संस्कृति, लिंग, ऐतिहासिक, चिकित्सा, भूगोल, ये सारे के सारे आगे, उनके बीच में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख ले, क्योंकि जितनी भी चीजें समाज से रिलेटेड हो रही हैं वो सारी किसमें आएंगी, सामाजिक भूगोल में आएंगी। उसके बाद में नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल में बस नगरीय अध्ययन है,
राजनीतिक भूगोल में क्या होता है, निर्वाचन किया जाता है और सैन्य, मतलब कि सेना का शासन आएगा और निर्वाचन किया जाएगा। दो पॉइंट याद रखने हैं। जनसंख्या में जनांकी मतलब जनगणना की जाती है। आवास में रहने की बात कर रहा है तो नगर और ग्राम में रहते हैं लोग। आर्थिक में जहाँ पे भी पैसा आएगा, जैसे संसाधनों से पैसा आता है, कृषि से, उद्योग से, विपणन मतलब कोई भी चीजें बेचने से, पर्यटन से पैसा आता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से पैसा आता है। तो जितनी भी चीजों से पैसा आता है वो सारी किसमें आएंगी, आर्थिक भूगोल में आएंगी। पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर के अंदर जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वही वही कर लेना। बीच में सबसे पहले ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रति वर्ग इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या का घनत्व का क्षेत्रफल क्या है, या आप ये कह सकते हैं कि जनसंख्या का घनत्व का सूत्र क्या है, जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है। जनसंख्या कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल होता है। ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। के अलावा विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे रहती है, तो एशिया के अंदर, सीधी सी बात ही है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें यह बता रहा है कि लोग जो है वो कहाँ पे रहना पसंद करेंगे, तो जहाँ पे जल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ये सारे भौगोलिक कारक हैं, जहाँ पे जल आसानी से मिलेगा। भूगर्ती मतलब कि मैदानी इलाका होगा, ठीक है। जलवायु मतलब वहाँ की जो जलवायु है वो ना ज्यादा ठंडी और ना ज्यादा गर्म होगी, वहाँ पे रहेंगे। मिट्टी, मिट्टी कैसी मिलेगी, अगर उपजाऊ मिलेगी तो वहाँ पे कृषि कर लेंगे। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक मीन्स पैसा, यहाँ पे खनिज आसानी से उपलब्ध होंगे, वहाँ पे लोग जाएंगे ताकि उनको काम धंधा मिले। नगरीकरण मतलब कि नगर में जितनी भी सुविधाएं मिल रही है, स्वास्थ्य की, चिकित्सा की, परिवहन की, तो वहाँ पे रहना पसंद करें। उसके बाद में आता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब ये है कि जहाँ पे भी उद्योग धंधे ज्यादा होंगे, फैक्ट्रियां ज्यादा होंगी, वहाँ पे लोग रहेंगे ताकि उनको रोजगार आसानी से। उसके बाद में सामाजिक सांस्कृतिक कारक, मतलब कि जितनी भी ऐसी जगह जहाँ पे मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर, ये सारी चीजें हैं, या पर्यटक जहाँ पे भी घूमने फिरने आते हैं, अगर उन जगहों पे ये रहेंगे तो इनको ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हमें आता है जनसंख्या वृद्धि, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ड ध्यान से पढ़ना। जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, किसी जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय, मतलब ये दोनों वर्ड एक ही हैं, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन। किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन है। मान लो ये 1 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं। अब इन 100 लोगों की संख्या में कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए, ठीक है, निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है, या तो ये बढ़ जाए या ये कम हो जाए, को क्या कहेंगे, जनसंख्या परिवर्तन। वृद्धि का भी यहाँ पे तात्पर्य यही बताया गया, ठीक है। वृद्धि और परिवर्तन दोनों का मतलब यहाँ पे सेम बताया गया। अब वो तो था जनसंख्या वृद्धि, अब जनसंख्या की वृद्धि, तो समय के 2 अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। दोनों बातें यहाँ पे सेम ही बता रहा है, ये जनसंख्या वृद्धि भी और जनसंख्या की वृद्धि भी। उसके बाद में इसने क्या लिखा है, जनसंख्या की वृद्धि दर। दो वर्ड ध्यान से सुन लो, क्या कह रहा है ये, एक कह रहा है जनसंख्या परिवर्तन और एक कह रहा है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। इनका मतलब सेम होता है, जनसंख्या परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि दोनों का मतलब सेम। जनसंख्या की वृद्धि दर, दर का मतलब क्या होता है, प्रतिशत, ठीक है। यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, ठीक है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है, अगर जन्म ज्यादा हुए हैं और मृत्यु कम हुई है, इसको क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, मतलब जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि का मतलब क्या है, जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास होता है। थोड़ा बहुत पढ़ना है इसको। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि मतलब कि 2 समय अंतरालों के अंदर जन्म दर मृत्यु दर से ज्यादा हो जाए तो क्या है, धनात्मक वृद्धि होगी। अगर जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, मतलब उसका उल्टा हो जाए, तो ऋणात्मक वृद्धि होगी, ठीक है। इन दोनों के अंदर मेन पॉइंट क्या है, इसमें जन्म दर क्या होनी चाहिए, ज्यादा, मृत्यु दर क्या होनी चाहिए, कम, ठीक है। मृत्यु दर क्या होनी चाहिए, कम, इसमें जन्म दर होनी चाहिए कम और मृत्यु दर क्या होनी चाहिए, बस इससे आपको पता लग जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि क्या होती है। जनसंख्या
जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। अब कोई भी जनसंख्या परिवर्तन, या हम कह सकते हैं प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म किए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है किसको? अशोधित जन्म दर को। अशोधित जन्म दर का मतलब क्या है? प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है सीबीआर को। इसका फॉर्मूला थोड़ा बहुत देख लेना। किसी वर्ष में जीवित जन्म बच्चों की संख्या और किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, गुणा किया हुआ है शायद हजार से, ये लिखा हुआ यहाँ पे भी गलती लिख रही। तो किसमें मापते हैं? तो मापने क्या जो है वो प्रतिशत है, ये एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। किसमें मापते हैं? तो प्रतिशत में। प्रवास क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। जन्म मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है, जिसमें प्रवास आता है। उद्गम स्थान जहाँ से लोग जाते हैं। गंतव्य स्थान जहाँ पे जाते हैं। ए पॉइंट से निकले, बी पे गए। ए से निकले, बी पे गए, तो जहां से निकले हैं ये तो आपका होगा उद्गम, और जहां पे गए हैं वो हो गया आपका गंतव्य। ठीक है, गंतव्य मतलब गंगानगर, और जहां से निकले हैं वो कर्णपुर। उद्गम कर्णपुर से और गंतव्य गंगानगर से, ऐसे याद रख। आप्रवास और उत्प्रवास, ये प्रवास के प्रकार हैं। आप्रवास प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं। उत्प्रवास प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, जो किसी नए स्थान पर जाते हैं और किसी स्थान से बाहर चले जाते हैं। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। बाद में प्रवास के कुछ कारक होते हैं, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। दोनों में से कोई एक याद कर लो। अपकर्ष का मतलब क्या होता है? अपनी ओर आकर्षित करने वाला। ठीक है, और प्रतिकर्ष में क्या होता है? अपने से दूर भेजने वाला। तो अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या क्या चाहिए? बेहतर अवसर, रहन सहन की सुविधा, शांति, स्थायित्व, जीवन संपत्ति की सुरक्षा, स्वास्थ्य, जो भी चीजें आप लिख सके। और यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे जैसे बेरोजगारी, प्रतिकर्ष में बेरोजगारी, रहन सहन, जो भी यहाँ पे अपकर्ष के अंदर जितनी भी बातें लिखी हैं उसमें ना लगा के प्रतिकर्ष कारक में आप लिख सकते हैं। जब जलवायु ढंग की नहीं है, बाढ़ आ रही है, आपदा आ रही है, महामारी आ रही है, और समुद्र के तटीय इलाका है वहां से बाढ़ आती रहती है, इस तरह की आप कहानियां लिख। इसके अलावा आप कुछ ये जरूर आप पढ़ लें, जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। पहली अवस्था के अंदर क्या चीज हो रही है, सेकंड अवस्था में क्या हो रही है, और थर्ड अवस्था में किसमें जन्म दर ज्यादा है, किसमें मृत्यु दर ज्यादा है, किसमें जन्म दर कम है, मृत्यु दर कम है, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जननांकीय संक्रमण, सारी की सारी तीनों अवस्थाएं थोड़ी थोड़ी पढ़नी पड़ेंगी। क्या क्या लाइन है वो मैं बता देता हूँ। देखो प्रथम अवस्था में क्या हो रहा है, ये देखो प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यु, मतलब जन्म भी उच्च है और मृत्यु भी कैसी है, दोनों की दोनों क्या होगी। ठीक है, इसमें जनसंख्या वृद्धि धीमी गति से होगी और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होंगे, इतना याद रखना। जन्म दर भी उच्च है, मृत्यु दर भी उच्च है, तो वृद्धि क्या होगी? धीमी गति से होगी। पहले पॉइंट में क्लियर। दूसरी अवस्था में क्या है? प्रारंभ में उच्च ही बनी रहती है और समय के साथ घटती रहती है, और यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है, और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं और स्वास्थ्य के सुधार में मृत्युदर में कमी आती है, तो जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होगा। इसमें जो जनसंख्या में वृद्धि होगी वो उच्च होगी थोड़ी, ठीक है, और इसके अंदर जन्म दर और मृत्यु दर समय के साथ घटेगी। समय के साथ क्या है? घटेगी, समय के साथ घटेगी। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखना। अब आती है तीसरी और अंतिम व्यवस्था, इसमें क्या होती है? प्रजननशीलता और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के दोनों क्या है? अधिक घट जाती है, मतलब तो दोनों के दोनों घट गए। दोनों के दोनों अगर घट गए तो जो जनसंख्या वो स्थिर हो जाती है, इसमें लोग जो है वो पढ़े लिखे और नगरीय शिक्षित हो जाते हैं, तभी जन्म दर और मृत्यु दर कम हो जाती है। तो यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं, ये तो आपको नॉर्मली वे से समझ में आना चाहिए कि कैसे हम जनसंख्या पे नियंत्रण लगा सकते हैं, उनको योजनाओं के बारे में बता के और अवेयरनेस फैला के पढ़ा के, ये सारी चीजें आप इसमें। अब चलते हैं अपने तीसरे चैप्टर की तरफ, के अंदर मैं सीधा आपको जो मेन पॉइंट है उस पर लेके आता हूँ।
पहला लिंग संगठन, इसका मतलब क्या है? लिंगानुपात, स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच का जो अनुपात होता है उसको लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। ठीक है, संगठन का मतलब होता है समूह, संगठन का मतलब क्या होता है? समूह होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कुछ यहाँ पे ना डाटा लिखा हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो इस डाटे को थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि कहाँ पे सबसे ज्यादा है कहाँ पे कम है, क्योंकि कई बार क्या है कि ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है। आयु संरचना का मतलब क्या होता है कि 15 से 59 वर्ग के बीच में जनसंख्या का बड़ा आकार क्या है? कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। तो ऐसी कौन सा आयु वर्ग है जो कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है? तो 15 से 59 वर्ष, ठीक है। और अगर 60 वर्ष से अधिक वाले हैं तो वहां पे क्या है? वृद्ध जनसंख्या, वो एक तरह से वो ज्यादा खर्चे को शो करता है जहाँ पे भी 60 साल से ज्यादा के लोग रहते हैं। आयु लिंग पिरामिड, इसके बीच में आयु और महिला पुरुष के बारे में बताया गया कि कैसे कैसे इन वृद्धि हो रही है या कितने एज तक के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। फिर जनसंख्या क्या होता है? जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो? समान। अलावा आसमान जनसंख्या क्या होता है? बीच में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर को दर्शाता है, मतलब जन्म दर भी कम होगी और मृत्यु दर भी कम होगी, दोनों की दोनों कम। ग्रामीण नगरीय संगठन, तो ग्राम में लोग ज्यादा रहते हैं, नगरों में लोग ज्यादा रहते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की गई। साक्षरता मतलब पढ़े लिखे कितने हैं। किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक और आर्थिक विकास का क्या होता है? सूचक होता है। ये पॉइंट ही बनता है बस एक। भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है। तो साक्षरता किसे कहते हैं? जो 7 वर्ष से बड़ा जो पढ़ लिख सकता है उसको क्या कहते हैं? साक्षर कह देते हैं, ठीक है। व्यवसायिक संरचना 15 से 59 वाले, मतलब जो काम धंधे वाले लोग हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय, आज की इस वीडियो के अंदर ठीक है, तो प्राथमिक क्रिया मानव जो है वो पर्यावरण से जो भी डायरेक्ट यूज जो उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करता है उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रिया। वैसे नॉर्मली वे में यही है कि पृथ्वी से जितने भी संसाधन मिलते हैं उनके यूज के साथ जो भी क्रियाएं करता है उसको हम प्राथमिक क्रिया। कौन कौन सी चीजें आती हैं? भोजन संग्रह, पशु चारण, मछली खनन कार्य। इसके जो उदाहरण है वो याद रखें। ये चैप्टर आपका 8 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा, आप ध्यान से सुन। अखेट करने का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। तो भोजन संग्रह का मतलब क्या होता है? कोई भी फल फूल कंद मूल जो को इकट्ठा करना। जीवन निर्वाह दो कार्यों द्वारा होता है। पहले होता था अखेट करके मतलब शिकार करके, या फिर खाने योग्य जंगली पौधे और कंदमूल को इकट्ठा करके। आदि मानव जो रहता था वो जंगली पशुओं पर निर्भर होता था या फिर पेड़ पौधे पर निर्भर होता था। ये तो है अपनी बात नॉर्मल। अब अपने चलते हैं पॉइंट्स के ऊपर, जहाँ से आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या बनने वाला है? भोजन संग्रह विश्व के दो भागों में किया जाता है। पहला उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र जिसमें यूरेशिया और दक्षिणी चिली आते हैं, भूमध्य अक्षांश वाले क्षेत्र जिसमें उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण एशिया का आंतरिक प्रदेश आता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि भोजन संग्रह विश्व के कौन कौन से भागों में किया जाता है, तो ये ऑप्शन दे देगा, ठीक है। उसके अलावा नीचे की तरफ चलते हैं, तो एक ये चिंगम और चिक्कल, चिंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? चिक्कल कहते हैं, ठीक है। और ये जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है, ये याद रखना। उसके बाद में नीचे की तरफ चलते हैं तो आता है पशु चारण। पशु चारण का मतलब क्या आता है? पशुओं को चराना। पेड़ पर निर्भर रहने वाले जितने होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि पशु चारण करते रहते हैं, पशुओं के आगे पशु पशु होते रहते हैं, तो बाद में क्या धीरे धीरे उनका भोजन का भी काम चलता रहता है, इसलिए पशु चारण किया जाता है। चलवासी पशु चारण क्या होता है? चलवासी मतलब चल के अपने साथ क्या पशुओं को साथ में लेके चलते रहते हैं एक जगह से दूसरी। इनका कोई भी एक जगह फिक्स नहीं होता, बस ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं पानी और चारागाह की उपलब्धता के तार पर। ये इन पशु चारण को वर्गों के अपने चारागाह क्षेत्र होते हैं। अब होता क्या है कि ये जैसे ये दो व्यक्ति हैं तो इनके चारागाह क्षेत्र है कि अगर ये एशिया में रह रहे हैं तो ऐसे एरिया में रहेंगे जहाँ हमारे जानवर आसानी से पाल ले जाएंगे। तो इसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के
अफ्रीका और सारा और एशिया तो में भेड़ बकरियों को पाल ले जाते। तलवासी पशुचारण के कुछ विषय तो वो जरूर याद रखना। तलवासी पशुचारण के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं, इसमें प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप पे होता है, मंगोलिया व मध्य चीन तक फैला है, दूसरा यूरोप एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है, और तीसरा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में मेडागास्कर द्वीप के ऊपर है। अब इसके बीच में क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके बीच में क्वेश्चन आता है ऋतु प्रवास क्या होता है। ऋतु प्रवास का मतलब यह है कि गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय क्षेत्रों की जाना क्षेत्रों की तरफ जाना, और शीत में पर्वतीय भागों से मैदानों चारागाहों की तरफ प्रवास करते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। ऋतु मतलब मौसम, ठीक है। अब कहीं पे कुछ ऐसे पशु होते हैं जो ज्यादा गर्मियों में रहना पसंद करते हैं, ऐसे पशु होते हैं जो सर्दियों में रहना पसंद करते हैं, तो क्या है वो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं पशुओं के अकॉर्डिंग, तो इसको ऋतु प्रवास कहते हैं। उसके बाद में चलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट रही है, इसके दो कारण है, एक तो राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण और कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। रीजन क्या है, रीजन यह है कि चारागाह क्षेत्र खत्म हो रहे हैं, और जो सरकार है वो क्या कर रही है कि इन क्षेत्रों के ऊपर कुछ ना कुछ योजनाएं चला के वहां पर बस्तियां बना, ठीक है। चलवासी और वन्यजीव पशुचारण के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा, इसके बीच का अंतर आपको बताना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन आसानी से कर सकें। वन्यजीव पशुधन पालन, वन्यजीव पशुधन का मतलब यह है कि इसके बीच में फार्म जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, मतलब कि एक निश्चित क्षेत्र होता है, ठीक है, और ये जो पशुपालन होता है ये ज्यादा व्यवस्थित और पूंजी प्रधान होता है, मतलब इसमें पैसे कमाए जाते हैं, इसमें बाड़ लगा के एक दूसरे को अलग कर दिया जाता है। मतलब होता क्या है कि ऐसे मान लो दो क्षेत्र हैं, एक बड़ा क्षेत्र है, इसके बीच में क्या है यहाँ पे एक तार बांध देते हैं, ठीक है, लोहे की तार लगा देते हैं ताकि यहाँ से इधर पशु ना जा पाए, एक साइड तो रख देते हैं चारागाह क्षेत्र मतलब कि चराई वाला क्षेत्र, और एक तरफ क्या है पशुओं को बांध के रखा जाता है इस तरह की, ये विशिष्ट क्या हम कह सकते हैं वाणिज्य पशुधन पालन होता है। इसमें लगभग यही देखा जाता है कि जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है, ठीक है, वाणिज्य में एक प्रकार के पशु पाल रहे हैं जबकि प्रवासी के अंदर भिन्न भिन्न पशु पाले जाते हैं, उनसे जितना भी सामान मिलता है या जितना भी मांस मिलता है उनको ये बेच देते हैं। और फिर उसके बाद में जैसे ये देखो वैज्ञानिक ढंग से संसाधित डिब्बाबंद कर विषयों के बाजारों में निर्यात किया जाता है, और वैज्ञानिक विधियों का यूज करते हैं, और सारे पशुओं का ध्यान रखा जाता है, बीमारियों पर नियंत्रण किया जाता है, और उनको स्वास्थ्य का भी ध्यान दिया जाता है। उसके बाद में आता है कृषि, अभी वाणिज्य पशुधन पालन कहाँ किया जाता है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये किया जाता है। कृषि, कृषि का करना क्या होता है, फसलें लगाना कृषि कहलाता है। निर्वाह कृषि का होता है, निर्वाह कृषि का मतलब क्या है कि कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं, इसे दो भागों में बांटा गया है। निर्वाह कृषि होता है मतलब कि अपना जीवन जीना उस कृषि के ऊपर डिपेंड रह के। एक आदिकालीन निर्वाह कृषि जो कि प्राचीन समय से चली आ रही है जिसे हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या होती है, एक जगह पे अपनों ने फसल बोई, काटी, खाई, फिर अगली जगह पे चले गए, फिर अगली जगह पे गए, फसल बोई, काटी, खाई, फिर दूसरी जगह पे चले गए। ये तो क्या होता है स्थानांतरित कृषि, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे पूरी कहानी यही लिखी हुई है, आदिकालीन निर्वाह कृषि का होता है। अब एक चीज ये है कि स्थानांतरित कृषि को किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये नाम जरूर याद रखें, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो भारत में इसे झूमिंग, मध्य अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा, मलेशिया व इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है, ठीक है, ये जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। यह निर्वाह कृषि मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र जिसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम तक लगातार कृषि की जाती है। इसमें कृषि के दो प्रकार आते हैं, एक आता है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, एक चावल रहित, तो एक में चावल उगाया जाता है और एक में चावल नहीं उगाया जाता। तो चावल जहाँ पे उगाया जाता है वहाँ पे यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है, क्योंकि अब चावल बो दिया बट चावल को निकालने के लिए मानव श्रम चाहिए चाहिए, तो मानव जो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि है इसमें मानव की हम कह सकते हैं मानव श्रम की कम आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जितना भी एरिया ये किसी भी क्षेत्र में लगाया जा सकता है, मतलब कि उष्ण क्षेत्र में लगाया जा सकता है, और चावल अगर चाहिए तो चावल के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, तो पानी आपको कहाँ पे मिलेगा, नदियों के पास वाले इलाकों में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में ऐसे नीचे की तरफ चलते हैं, और तो उसके बाद में आता है रोपण कृषि, रोपण कृषि का मतलब ये है कि रोप के फसलों को उगाना, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, कपास, केले, अनानास,
और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसकी कुछ विशेषताएं, रोपण कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसमें आकार बहुत बड़ा होता है, इसमें उच्च प्रबंध तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों का यूज किया जाता है। श्रमिक इसमें सस्ते मिल जाते हैं, यातायात विकसित और बगान व बाजार सुचारू रूप से चलते रहते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रसिद्ध एरिया है, श्रीलंका और भारत का कुछ चाय का बाग है, मलेशिया में रबड़ फेमस है, और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले के बाग फेमस है। इंडोनेशिया में गन्ने की कृषि में डचों का एकाधिकार है। थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बाकी इसका कोई जरूरी नहीं। रोपण कृषि की विशेषता पढ़ लेना। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का होता है, विस्तृत मतलब बड़ा, वाणिज्य मतलब पैसे से, अनाज मतलब कोई भी चीज। ठीक है, इसमें प्रमुख फसल कौन सी होती है, गेहूं होती है। अब इसमें खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य किससे किए जाते हैं, यंत्रों से किए जाते हैं, और इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपके पास 1 मरबा जमीन है, ठीक है, 1 मरबा जमीन है, और वहां पे मान लो 100 क्वांटल क्या गेहूं होगी, 100 क्वांटल गेहूं होगी। अब इस 100 क्वांटल को खाने के लिए बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं, मतलब परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है उत्पादन ज्यादा हो जाता है। तो इसका हिसाब तुम्हें खुद ही लगाना पड़ेगा। उसके बाद में आता है ये नाम जरूर आप पढ़ लेना, कि ये जो कृषि है ये यूरेशिया के स्टेपेज, प्रेरीज, अमेरिका के पंपास, बेल्ट्स, डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदानों में है। ये कृषि होती है वस्त्र विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। मिश्रित का मतलब दो चीजों को मिक्स करके, में खेतों का आकार मध्यम होता है, फसलें गेहूं, जौ, राई, मक्का, चारे की फसलें कंदमूल प्रमुख है। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के प्रमुख घटक है, ये लाइन इंपोर्ट। चारे की फसल, इसमें पशुओं के साथ साथ कृषि भी की जाती है, बस इतना पॉइंट याद रख लो। पशुओं के साथ कृषि की जाती है और कृषि के अंदर ही चारा आ जाता है जो कि पशुओं के लिए हो गया, इतना याद रखना। विकसित कृषि यंत्र होंगे, इमारतें होंगी, रासायनिक वनस्पति खाद होगी, तभी ये सारा काम चलता है। शहरी कृषि, इसमें दूध के ऊपर ध्यान दिया जाता है, दूध जो होता है उसको बेचा जाता है। तो पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत व दक्ष प्रकार कौन सा है, शहरी कृषि है। ठीक है, उसके बाद में वाणिज्य डेयरी कृषि के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, और दूसरा कनाडा, तीसरा न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मान। भूमध्य सागरीय कृषि जो कि अंगूरों या हम कह सकते हैं खट्टे फलों के लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे होती है, ये भूमध्य सागरीय एरिया में होती है। ठीक है, जिसके बीच में कुछ यहाँ पे फसलें हैं जैसे मनक्का, किशमिश, अंगूर, ये इसकी विशेष। ठीक है, तो उसके बाद में बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि। बाजार के लिए सब्जी खेती उद्यान कृषि तो क्या, कि जितनी भी सब्जी उगाई जाती है या बाग बगीचों में लगाई जाती है, वो सारी चीजें यहाँ पे बात करेगा, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना बागवानी कृषि, कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है तो बता देता हूँ। ट्रक कृषि, ये क्वेश्चन बन सकता है ट्रक कृषि। यहाँ से बागवानी फसल विशेषता ट्यूलिप पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहां इसको ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ सब्जियां उगाई जाती हैं वहां पे ट्रक कृषि कहते हैं। ट्रक कृषि, ट्रक फार्म वह बाजार के मध्य दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, उसी आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया। ठीक है, ट्रक से सामान को लेके जाते हैं इसीलिए ट्रक कृषि रख दिया। यहाँ पे केवल सब्जियां उगेंगी वो ट्रक कृषि कहलाता है बस। तो बाद में सहकारी कृषि, तो सहकारी कृषि क्या कहता है, जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने की स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बना ले। सहकारी संस्था में क्या होता है कि एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, उसके ऊपर 15 से 20 लोग इकट्ठे मिलकर पैसा लगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सहकारी कृषि। जैसे सहकारी संस्था होती है, ऑपरेटिव सोसाइटी है, वैसे हो जाता है। सामूहिक कृषि का यहाँ पे देखो बड़ा बड़ा करके नाम लिखा हुआ है, कोलखोज किसे कहते हैं, तो सोवियत संघ या फिर रूस में किस नाम से जानते हैं, कोलखोज के नाम से जानते हैं। सामूहिक कृषि मतलब इकट्ठे कर होके सारे के सारे लोग तो सामूहिक कृषि करते हैं। ठीक है, तो बाद में आता है खनन। खनन के बारे में कितनी बार बता दिया, खनन मतलब खोदना, जमीन को खोदना, जमीन को खोद के वहां से खनिज निकालना,
निकालने की दो विधियां, एक है कुप्की विधि और एक है विपरीत खनन। ठीक है, ये देखो खनन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो एक तो भौतिक कारक होते हैं, एक आर्थिक कारक होते हैं, मतलब पैसे से रिलेटेड कुछ कारक हैं। भौतिक कारक मतलब जमीन को लेके हैं कि जमीन कैसी है, वहां की खुदाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो चीजें। खनन की विधियां एक है धरातलीय या भूमिगत खनन, धरातलीय व भूमिगत खनन। धरातलीय कौन सा है, ये देखो कुप्की खनन के अंदर क्या होता है, कुप्की खनन के अंदर बहुत बड़ी पाइप को नीचे लेके जाना पड़ता है या मशीनों की सहायता से गहराई तक जाना पड़ता है, इसको कहते हैं कुप्की खनन या भूमिगत खनन। ठीक है, और एक होता है विवृत खनन। विवृत खनन का मतलब यह है कि थोड़ी बहुत ऊपर की जो हम कह सकते हैं पहली परत को हटा दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, विवृत खनन। धरातलीय खनन को ही विवृत खनन कहते हैं, धरातलीय खनन भी कहते हैं, नाम याद रखना, धरातलीय या विवृत खनन। ठीक है, तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर का नाम क्या है, द्वितीयक क्रियाएं। क्या होता है द्वितीयक क्रियाएं, और कल की अगर वीडियो नहीं देखी है उसको जाके जरूर देखना। 5 तरह की क्रियाएं होती हैं, जिसके बीच में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ के साथ पंचम क्रियाएं। तो अपनों ने कल की वीडियो के अंदर तृतीयक और चतुर्थ क्रियाएं पढ़ लिया था। आज जो है वो है द्वितीयक क्रियाएं, जिसके बीच में क्या इंपॉर्टेंट है, तो एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो है विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब क्या होता है, जितना भी अपने पास कच्चा माल मिलता है उसको मशीनों की सहायता से मानव योग्य बनाना या मानव के उपयोग के लिए बनाना क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है, और ये द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। के बीच में कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं, जैसे कपास है, कपास अपने को सीधा खेतों से मिल जाती है कच्चे माल के रूप में, बाद में अपने इसको कपड़ों के रूप में यूज ले लेते हैं, जिसको अपने क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। यहाँ पे विनिर्माण की परिभाषा है, किसी भी वस्तु का उत्पादन है, हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहा व इस्पात को गढ़ना। तो इसके वो पूछ सकता है, एग्जाम्पल पूछ सकता है, उदाहरण पूछ सकता है कि विनिर्माण के कौन कौन से उदाहरण है, वो जरूर आप देखें कि विनिर्माण के उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बता देना। के बीच में यही आपको पढ़ना है, उसके बाद में आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। इसका मतलब ये कहना ये चाहता है कि जो उत्पादन का काम है, अगर इसको हम बड़े स्तर पे करना चाहते हैं, तो अपने को किन किन चीजों की जरूरी आवश्यकता होती है, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास होनी जरूरी है। पहले कौशल का विशिष्टीकरण, मतलब अगर आप किसी भी चीज में स्किल हो, ठीक है, मतलब आप जैसे लोहे से क्या है, अपने कोई भी सामान बना रहे हैं, मान लो कार बनानी है, तो कार बनाने के लिए अपने पास सारे पार्ट्स होने जरूरी है, इसके अलावा कार को कैसे डिजाइन करना, वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो उत्पादन की विधियां पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे हम इसका उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, और कारखाने के अंदर उतना सामान है या नहीं है, कितनी लागत होनी चाहिए एक सामान को बनाने के लिए, तो वो सारी चीजें इसमें आपकी कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियों के अंतर्गत आएगी। ठीक है, उसके बाद में जैसे विनिर्माण शब्द का अर्थ है हाथ से बनाना, ये तो नॉर्मल सी बात होगी। इसके बीच में तो आपने इतना ही पढ़ना। उसके बाद में आता है यंत्रीकरण। यंत्रीकरण का मतलब क्या है, मशीनों की सहायता से काम करना या मशीनों का प्रयोग करना, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए किसका प्रयोग करना, मशीनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है, यंत्रीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा स्वचालित यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। स्वचालित का मतलब क्या है, मान लो आज के टाइम में एक कार है जो कि ऑटोमेटिक, इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक कहते हैं। ऑटोमेटिक वो कार क्या करती है, ब्रेक लगाती है, और ऑटोमेटिक ही क्या है, रेस को कंट्रोल करती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्वचालित यंत्रीकरण। ठीक है, जिनमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया, पूरे विश्व में ये नजर आने लगी है, तो अपने AI टेक्नोलॉजी कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि कार खुद ही रोबोट की तरह काम करने लग जाती है। उसके बाद में प्रौद्योगिकी या नवाचार, मतलब कि नई नई जितने भी शोध हो रहे हैं उनके ऊपर बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम कोई भी चीज का विनिर्माण करते हैं, तो कैसे उसकी गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे अपने पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किसी भी चीज का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद में अपने आगे देखते हैं, तो इसके बीच में आता है संगठनात्मक ढांचा व स्तरीकरण, तो किस तरह से इसका ढांचा बना होता है सारे के सारे आधुनिक बड़े पैमाने का, और कैसे इसके स्तर बांटे हुए हैं। सबसे पहले आधुनिक निर्माण की क्या क्या विशेषताएं हैं, पॉइंट जरूर पढ़े। एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र है,
में श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास और अलग लागत से अधिक माल का उत्पादन किया जाता है। इसमें पैसे ज्यादा चाहिए, बड़े संगठन होते हैं मतलब कि ज्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, प्रशासकीय अधिकारी वर्ग होता है मतलब कि ऐसा अधिकारी वर्ग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा वो इसके बीच में ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है पहला पॉइंट अनियमित भौगोलिक वितरण। तो कई कई जगह पे अपने को ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ पे तो बहुत अच्छा उत्पादन किया जा रहा है और कई जगह पे उत्पादन अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो अमेरिका के मक्का की पेटी 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतया 4 बड़े फार्म होते हैं जिनमें 10 से 20 श्रमिक काम करते हैं और जिनमें जिनसे 50 और 100 मनुष्यों का भरण पोषण होता है। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल है। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इतने बड़े बड़े कारखाने हैं और वहाँ पे क्या हजारों की श्रमिकों की संख्या को रोजगार दिया जा रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कोई तो एक ऐसी छोटी सी जगह है जहाँ पे क्या 10 से 20 लोग ही काम कर रहे हैं और वहाँ पे क्या उससे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो 100 लोग या 50 लोग खा रहे हैं। एक इतना बड़ा एरिया बना दिया जिसके बीच में 1000 लोग तो क्या काम कर रहे हैं, तो जो इसकी प्रोडक्शन होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद में इसने कहा बाजार तक अभिगम्यता। अभिगम्यता का मतलब हम यहाँ पे पहुँच से लेंगे कि बाजारों तक कैसे सामान को पहुँचाया जाता है, किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है ताकि सामान को जल्दी से जल्दी पहुँचाया जाए। तो वहाँ पे क्या है बाजारों में वस्तुओं की मांग होनी चाहिए कि कोई भी बंदा अगर चीज़ खरीदने आता है तो वहाँ पर वो चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, उसे ज़्यादातर ज़्यादा जगह पर घूमना ना पड़े। और जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या है बाजार भी ज़्यादा लगेंगे और वहीं पे आपकी क्या है सामान भी ज़्यादा बिकेगा। ये है इसके बीच में बाजार तक अभिगम्यता। उसके बाद में कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। उद्योग के लिए कच्चे माल अपेक्षाकृत सस्ता सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। मतलब कि कोई भी सामान, मान लो आप चीनी बना रहे हो, ठीक है, अब चीनी बनाने के लिए क्या आपको गन्ना चाहिए, गन्ना चाहिए तो गन्ने को काट के जहाँ पे भी आपने स्टोर करके रखना है तो वहाँ पे पहुँचाने के लिए परिवहन भी होना चाहिए। और जितना भी सामान है वो ऐसा सामान लें ताकि उनका वजन क्या ज़्यादा हो, सस्ते मूल्य हो, और वजन घटने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप ही स्थित होते हैं। मतलब जो बाजार है वो क्या है जहाँ पे स्थित होता है, जहाँ पे क्या है खेत खलियान हो, जहाँ से क्या हमारा प्रोडक्शन होती है, मतलब कि जहाँ पे चीज़ें उगाई जाती हैं, उगाने के बाद बाजार में जल्दी से जल्दी पहुँचाए, वो चीज़ें सारी क्या है कच्चे माल की प्राप्ति की बात करते हैं। उसके बाद में श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। श्रम आपूर्ति का मतलब क्या है कि अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दे सकें, वो होता है श्रम। तो श्रम एक महत्वपूर्ण कारक है। बढ़ते हुए यंत्रीकरण और स्वचालन व औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया। जैसे जैसे मशीनें आ रही हैं तो लोगों को काम मिलना भी बंद हो गया, कि सारा का सारा काम कौन कर रही है, मशीनें कर रही हैं। इसीलिए हमें क्या है कुशल श्रमिकों की अब आवश्यकता होने लगी है। पहले के जो श्रमिक थे वो तो शारीरिक मजदूरी करते थे, अब हमें क्या है दिमागी श्रमिक चाहिए, मतलब कि जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा डेवलप हो। उसके बाद में शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। इसका मतलब यह है कि पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सारी चीज़ें भी चाहिए ताकि उद्योगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, विकसित कर सकें, और उद्योग लगाने में इसकी जरूर आवश्यकता होती है। उसके बाद में परिवहन व संचार सुविधाओं तक अभिगम्यता। मेनली ये कहना चाहता है कि आपने मान लो एक फैक्ट्री लगानी है तो उस फैक्ट्री को लगाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, परिवहन चाहिए, संचार चाहिए, संचार की सुविधाएं चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास संचार की सुविधा है मतलब आप ऑनलाइन के अंदर क्या है सामान को बेच सकते हैं, आजकल ये काम भी चलने लग गया है। तो उद्योग अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें इसने बता दी। सरकारी नीति क्या होती है, संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है और विशिष्ट उद्योगों क्षेत्रों में स्थापना करती है। उसके बाद में आता है स्वच्छंद उद्योग। तो स्वच्छंद उद्योग कौन से हैं, ठीक है, इसके बीच में एक तो इसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है, उत्पादन कम मात्रा में होता है और यह संगठक पुर्जों पर निर्भर होते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब कोई विशिष्ट क्षेत्र नहीं है जहाँ से अपने को ये सामान मिले, ये वाली लाइन चाहे ना लिखना, यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके बाहर में कमी हो रही है नहीं पर निर्भर नहीं करते, ये लाइन नहीं लिखनी, ठीक है, ये वाली लाइन मत लिखना क्योंकि इसका कोई मीन्स ही नहीं बन रहा। ये लिख देना यह संगठक पुर्जों पर निर्भर है जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, इनका उत्पादन कम मात्रा में होता है और इसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है और ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं स्वच्छंद उद्योग कह देते हैं। उसके बाद में नीचे देखते हैं तो विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, कैसे कैसे उद्योगों का वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले आता है आकार के आधार पर कैसे उद्योग बांटे गए हैं।
बीच में पैसा लगता है, लोगों की संख्या कह सकते हैं, उत्पादन की मात्रा कितनी होती है, वो सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पे लिखा गया लघु व कुटीर उद्योग, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं लघु व कुटीर उद्योग। लघु व कुटीर उद्योग के अंदर क्या होता है, ये मान लो आप घर के अंदर जो घरेलू कार्य किए जाते हैं घरों के अंदर, वो सारे आते हैं लघु व कुटीर उद्योगों में। उसके बाद में आते हैं छोटे पैमाने के उद्योग, के बीच में अपने कह सकते हैं 5 लाख तक कह सकते हैं, अंदाजे से बता रहा हूँ, 5 लाख तक अपने पैसे को लगाते हैं, 5 लाख तक की चीजें खरीदते हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी। बड़े पैमाने के उद्योग कौन से हो जाएंगे, जो 10 लाख से ज्यादा वाले होंगे, वो सारे बड़े पैमाने के उद्योगों में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे इसने और बताया कच्चे माल के आधार पे, तो कच्चे माल के अंदर क्या है, कृषि आधारित उद्योग होते हैं, जिसके बीच में चीनी, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, कॉफी, चाय, रबड़, जितनी भी चीजें कृषि के द्वारा जो अपने को मिलती है और बाद में उसको अपने विनिर्माण के द्वारा बेचते हैं, ठीक है। तो हमने खनिज आधारित उद्योग, तो जितनी भी टाइलें हैं, धात्विक और अधात्विक जितने भी खनिज मिलते हैं उनसे कुछ ना कुछ बनता है, वो सारा आएगा खनिज आधारित उद्योगों में। एक चीज याद रखना, इनके उदाहरण आप जरूर याद करें, उदाहरणों से क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा गया। रसायन का मतलब क्या होता है कि केमिकल मिक्स क्या हो, पेट्रोसायन में, प्लास्टिक में, कृत्रिम रेशा में, नमक बनाने में और कीटनाशक दवाइयों में भी इसका यूज किया जाता है। वन आधारित में क्या आएगा, लकड़ियां, लाख, तारपीन का तेल और कागज, ये सारी वन आधारित है। पशु आधारित कौन सी है, जिसमें चमड़ा और ऊन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसने कहा उत्पाद के आधार पे, तो उत्पाद के आधार पे कैसे है, एक है मूलभूत और एक है उपभोक्ता सामान। मूलभूत का मतलब क्या है, लोहा इस्पात उद्योग, के बीच में बड़ी बड़ी फैक्ट्री आ जाएगी। उपभोक्ता सामान का मतलब जो डेली लाइफ के अंदर अपने चीजें यूज करते हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार के ऊपर, अधिकार का मतलब यह है। सार्वजनिक का मतलब सरकार की, ठीक है। सार्वजनिक मतलब किसका हो गया, सरकार की। निजी मतलब क्या हो गया, किसी एक व्यक्ति का। और संयुक्त का मतलब क्या हो गया, व्यक्ति का भी और सरकार का भी, मतलब दोनों का मिक्स होता है, में संयुक्त क्षेत्र के अंदर होता है। तो यहाँ तक कि आपकी कहानी पूरी हो गई है इस चैप्टर की, आगे का मैटर अपने देख लेते हैं, और कोई भी डाउट हो बता देना कमेंट सेक्शन। अब आपने क्या क्या पढ़ना है वो देखते रहो। कुटीर उद्योग सबसे छोटी इकाई होती है, इसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं, दैनिक जीवन के काम होते हैं, के बीच में जैसे टोकरियां बनाना, ये सारे काम इसमें किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। छोटे पैमाने के उद्योग ये कुटीर उद्योगों से भिन्न होते हैं, इसमें दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं, घर से बाहर एक कारखाना कह सकते हैं, वहाँ पे ये काम करते हैं, कच्चे माल का उपयोग होता है और इसमें अर्धकुशल श्रमिक शक्ति के साधन और चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, और इसमें रोजगार के धीरे धीरे क्या है, संख्या को बढ़ाया जा रहा है। बड़े पैमाने के उद्योग ये तो नॉर्मली आप लिख सकते हैं, जिसके बीच में बड़े बड़े विशाल बाजार होंगे, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, मतलब आज के टाइमिंग में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो सारी चीजें के बीच में आपको देखने को मिलेगी। क्या आप बड़े पैमाने के उद्योग, कच्चे माल पे आधारित उद्योग मैंने सारे बता दिए, ठीक है, इनके बस आपने नाम याद करने हैं। स्वामित्व वाले मैंने बता दिए, सार्वजनिक सरकारी होता है, निजी वाला एक किसी व्यक्ति या किसी छोटे मोटे संगठन के पास होता है, मतलब 5-7 लोग इकट्ठे करके ले सकते हैं, बट ये सरकार का नहीं होता, संयुक्त तो में सरकार और निजी दोनों का होता है। परंपरागत बड़े औद्योगिक वाले क्षेत्र, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, जर्मनी का रूर क्षेत्र। तो ये जर्मनी का रूर क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो कि कोयले के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, यूरोप में या जर्मनी। उसके बाद में होता है ये जरूर पढ़े, संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यवसायिक स्वेद कॉलर श्रमिक का होता है, श्रमिकों का होता है, और ये उच्च दक्ष विशिष्ट व्यवसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन नीला कॉलर श्रमिकों की संख्या में अधिक होते हैं। और बस ये दो याद रखना, एक सफेद कॉलर वाले और एक कौन से हो गए आपके नीले कॉलर वाले, ये दोनों के दोनों किस में आते हैं, आपके वित्त उद्योग में आते हैं, वित्त क्रियाओं में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने इसमें एक लाइन ये लिख लेना, लोहा इस्पात उद्योग, इसे हम कौन सा उद्योग के नाम से जानते हैं, भारी उद्योग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह अन्य उद्योगों जैसे कि मशीन और औजारों जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं को कच्चा माल प्रदान करता है, इसलिए इसे भारी उद्योग कहते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल का उपयोग लिया जाता है, इसके उत्पाद भी भारी होते हैं। लोहा उद्योग को हम किस नाम से जानते हैं, भारी उद्योग के नाम से जानते हैं। अब कच्चा लोहा किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है,
तो लोहासक को झोंका भट्टियों में कार्बन व चूना पत्थर के साथ प्रगलन किया जाता है। पिघला हुआ लोहा बाहर आकर बाहर निकलकर जब ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहा जाता है। ठीक है, जब लोहे को पिघलाते हैं भट्टियों के अंदर तो उसका कुछ लोहे का जो अंश होता है वो बाहर आके नीचे गिर जाता है और ठंडा हो जाता है, उसको हम कच्चा लोहा कहते हैं। और इसमें आप सूती कपड़ा उद्योग कर सकते हैं, सूती कपड़ा उद्योग। तो आज की वीडियो अपनी इतनी है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ना समझ में आए कोई भी चीज़ तो पूछ लो। ये जो ऑप्शन है, ये वाले जो क्वेश्चन है बुक के एक्स्ट्रा वाले जिसके बीच में एबस अदा जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको जरूर पढ़ें, क्योंकि कई बार क्या उनसे सीधा ही क्वेश्चन बन के आ जाता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या है, तृतीय व चतुर्थ क्रियाकलाप। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो पेपर के अंदर आने वाले क्वेश्चन है वो है प्राथमिक, द्वितीयक, उसके बाद में तृतीयक और चतुर्थ। ये चारों क्रियाकलाप हैं, इनके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो आज हम देखने वाले हैं तृतीयक क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप। इसके अलावा पांचवा या पंचम क्रियाकलाप है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बातें अपने देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो जिसके बीच में जैसे जैसे आप लाइंस देखेंगे वो आपको यहाँ पे पता लगता रहेगा। जैसे कि इसने कहा है कि कोई भी एक पारिवारिक डॉक्टर होता है जब हम बीमार पड़ते हैं तो जाते हैं, उसके अलावा एक अध्यापक होता है, एक वकील होता है। ठीक है, मतलब कि जिनको भी हम क्या करते हैं, सेवाएं लेते हैं, जिनसे हम सेवाएं लेते हैं उनको हम क्या क्या देते हैं तृतीयक क्रियाकलाप के अंदर शामिल करते हैं। ठीक है, तृतीयक क्रियाकलाप में कौन लोग आ रहे हैं जो हमें सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे नीचे देखते हैं तो ये परामर्शदाता, जो भी कुशल श्रमिक है, मतलब जो भी एडवाइस करते हैं हमें। ठीक है, प्रशिक्षित विशेषज्ञ, जितने भी विशेषज्ञ हैं मतलब स्कॉलर्स हैं। इसके अलावा ये देखो, तृतीयक क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय, उत्पादन का मतलब बनाना और विनिमय का मतलब उसको बेचना, दोनों के दोनों शामिल होते हैं। इसमें उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है, और उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। सीधी सी बात यह है, टीचर याद रख लो, टीचर जो है वो तृतीयक श्रेणी में आता है, जिसको पैसे दिए जाते हैं और तुम्हें नॉलेज दी जाती है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार सुविधाएं, ये सारी की सारी चीजें आती हैं विनिमय में। ठीक है, के बाद में इसके थोड़े बहुत जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखोगे तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी एग्जाम्पल है सारे इसमें आएंगे। द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता उत्पादन तकनीकों, मशीनरी, फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टीकृत कुशलताएं और अनुभव ज्ञान पर आधारित है। मतलब द्वितीयक के अंदर अपने क्या देखा था, द्वितीयक में मशीनों की सहायता से अपने को सामान मिल रहा था, और जबकि जो तृतीयक है उसमें व्यक्ति विशेष कोई होगा जो अपने को क्या है पैसे देने के बाद ज्ञान देगा। ठीक है, उसके बाद में तृतीयक क्रियाकलापों के प्रकार, जिसमें हम क्या है व्यापारी की दुकान से पुस्तकें, स्टेशनरी खरीदते हैं, बस और रेल यात्रा द्वारा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपने इसको ही समझ लेते हैं, इसमें लिखा है तृतीयक क्रियाकलाप। तो तृतीयक क्रियाकलाप को यहाँ पे कितने भागों में बांटा है, चार में, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। पहला व्यापार व वाणिज्य, दूसरा परिवहन, तीसरा संचार और चौथी है सेवाएं। तो जो व्यापार व वाणिज्य है उसके बीच में एक है थोक व्यापार और एक है फुटकर व्यापार। ठीक है, थोक व्यापार में कौन कौन सी चीज आती है, एक है नगरीय आपूर्ति घर, जबकि नगरों के अंदर जो बेचा जाता है, एक है ग्रामीण मंडियां जो कि गाँव वाली होती है। फुटकर व्यापार को दो भागों में बांटा है, एक है नगरीय और एक है ग्रामीण। अब जो नगरीय है उसके बीच में श्रृंखला भंडार, डाक भंडार, सुलभ बाजार केंद्र, लोक वितरण योजना, ग्रामीण के अंदर होट बाजार, फेरी वाला, लोक स्कीम, ये सारी चीजें। शॉर्ट में अगर समझें तो जो आपके थोक वाले होते हैं ये तो हो गए जिनके पास सारा सामान इकट्ठा होता है। ठीक है, और फुटकर व्यापार कैसे हो गए, जो छोटे छोटे रेहड़ियां लगाने वाले,
जो घूम फिर के फेरियां लगाने वाले, ये जो लोग होते हैं सारे किस्म हमारे फुटकर व्यापार में, ठीक है। परिवहन के बारे में आपको पढ़ाई रखा है कि स्थल, जल, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, उसके आगे डिवाइड किया हुआ है। संचार के बारे में बताया हुआ है, संचार में परिवहन के साधन आते हैं दूर संचार और दृश्य श्रव्य सामग्री। दूर संचार में दूरभाष, टेलीविजन, टेलीफोन, ये चीजें आ जाएंगी। और दूरभाष के अंदर सिर्फ जिसके बीच में अपने बातचीत कर सकते हैं वो चीजें आएंगी, जैसे भू लाइन और मोबाइल। भू लाइन का मतलब याद रखना, मोबाइल याद रख लो। दृश्य श्रव्य में जिसमें देखे भी और आवाज भी आए, फिल्में, रेडियो, टीवी, मुद्रण मीडिया। मुद्रण मीडिया के अंदर क्या है, आपकी न्यूज आ जाएंगी, जितनी भी न्यूज मिलती है, जैसे समाचार पत्र और पत्रिका। ये बस आपको उदाहरण देखने हैं कि कौन किसके बीच में आ रहा है। उसके बाद में आती है सेवाएं। सेवाओं में मौद्रिक, बैंकिंग, बीमा, बैंक वाली चीजें आ गई, बीमा आ गया, अचल संपदा, मतलब जो सामान को जैसे कोई भी अपने प्रॉपर्टी खरीद ली, बेच ली, वो सारी चीजें होगी। व्यक्तिगत और व्यवसायिक, व्यक्तिगत और व्यवसायिक जैसे नौकरियां होती हैं, वो व्यक्तिगत नौकरी, सरकारी नौकरी, गैर सरकारी संगठन की नौकरी, ये तो आते हैं तृतीयक में। और चतुर्थ में क्या आ रहे हैं आपके, सूचना आधारित और अनुसंधान पे, अनुसंधान व विकास पर आधारित। अब अपने चलते हैं मैटर की तरफ। जो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो है व्यापार। व्यापार के अंदर क्रय का मतलब होता है खरीदना, विक्रय का मतलब होता है बेचना, ठीक है। क्रय का मतलब खरीदना, विक्रय का मतलब बेचना। के बीच में फुटकर और थोक व्यापार आते हैं। सारा काम कस्बों और नगरों में होता है, जिसको अपने क्या कहते हैं, व्यापारिक केंद्र, मतलब व्यापार जहाँ होता है उसको व्यापारिक केंद्र कहते हैं। अब एक है ग्रामीण विपणन केंद्र। विपणन केंद्र का मतलब भी बेचने वाला, ये बस्तियों का पोषण करते हैं, ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं और ये व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा प्रदान करते हैं। उसके बाद में इनमें से अधिकांश केंद्रों में मंडियां, थोक बाजार और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। ये स्वयं नगरीय केंद्र नहीं है, किंतु ग्रामीण लोगों की अधिक मांग में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण। मेनली जो आपने क्वेश्चन याद रखना है वो ये याद रखना है कि फुटकर व्यापार क्या होता है और थोक व्यापार क्या होता है। भी आने वाले आगे देखेंगे चैप्टर के अंदर, तो वहां पे वो बता देगा कि फुटकर व्यापार क्या है और थोक व्यापार क्या है। बाकी इसको आप रहने दें। फुटकर व्यापार, फुटकर व्यापार में क्या होता है कि ये व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित होता है। मतलब कि एक दुकान लगाई है मैंने, इस दुकान से लोग आके सामान खरीद रहे हैं, ये तो हो गया फुटकर व्यापार। उसके बाद में जैसे इसने कह दिया, अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है, जिसमें फेरी, रेडी, ट्रक, द्वार से द्वार, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें, इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार सारे उदाहरण हैं। ऑनलाइन कोई भी चीज खरीदते हो ना, वो सारी की सारी किस्में आती है फुटकर व्यापार में आती है, ठीक है। जितनी भी रेड़ियां, फेरी वाले हैं, ट्रक ट्रक के अंदर सामान लेके आते हैं बेचने के लिए, वो सारी फुटकर व्यापार में आती हैं। अब इसके आगे और क्या है, और है थोक व्यापार। ये बॉक्स से थोड़े बहुत देख लेना, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट मैटर तो नहीं। उपभोक्ता सहकारी क्या होता है, वृहत स्तर पे सबसे पहले नवाचार लाने वाली कौन सा समुदाय था, तो उपभोक्ता समुदाय था। अब आता है थोक व्यापार। थोक व्यापार क्या होता है, ये फुटकर व्यापार से फुटकर जो भंडार होते हैं उनको उधार में देते हैं। थोक व्यापार का मतलब मेरी बड़ी सी एक कंपनी है, ए कंपनी है, ए कंपनी ने छोटे मोटे जैसे बी कंपनी वालों को, सी कंपनी वालों को पैसे कह दिया कि 100 रुपए की ये चीज है, इसको बेच जाओ, जब तुम बेच के आ जाओगे तब मुझे 100 रुपए दे देना, ठीक है। तो इस तरह से उधार देते हैं। बाकी सारी छोटी कंपनी है, थोक व्यापार मान लो एक बड़ी कंपनी है, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है कि बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलियों स्रोत से पूर्ति करते हैं, मतलब कि बड़ी दुकान से खरीद लेते हैं, छोटी छोटी दुकानें, और बाद में बेच देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सुविधा जिसमें व्यक्ति, विनिर्मित माल या संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। परिवहन की परिभाषा याद रख लो। परिवहन के अंदर किलोमीटर दूरी, मार्ग लंबाई, समय दूरी, लागत दूरी, इसके ऊपर मापा जाता है। परिवहन के साधन, परिवहन के साधनों का चयन एक निर्णायक कारक है, कोई मतलब नहीं है। जाल तंत्र में जो मेन पॉइंट पढ़ना है, एक पढ़ना नोड और एक पढ़ना योजक। नोड क्या होता है कि एक उद्गम बिंदु और एक गंतव्य बिंदु, ठीक है। ये उद्गम बिंदु है और ये गंतव्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक गए, तथा मार्ग के सहारे कोई एक बड़ा कस्बा हो उसे नोड कहते हैं। ये एक बड़ा कस्बा बना हुआ है, ठीक है।
एक उद्गम बिंदु और एक गंतव्य बिंदु, एक वहां से जहां से अपने चले और एक जहां पे अपने को पहुंचना है, उसके बीच में एक बड़ा सा कस्बा बना होगा जिसको अपने क्या कह देंगे, नोड कह देंगे। और अगर ये सड़क दो नोडों को जोड़ती है, मतलब दो नोडों को जोड़ देती है या एक दूसरे के ऊपर ऐसे सड़क काट रही है, तो इसको अपने क्या कहते हैं, युद्ध कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। परिवहन का मतलब ये है कि अपने पास कोई भी साधन है तो साधन कहाँ पे अपने ज्यादा लगाएंगे, जहाँ पे लोग ज्यादा होंगे। ठीक है, तो जितना बड़ा जनसंख्या का कार होगा वहां पे उतनी ज्यादा जनसंख्या की मांग होगी। तो नगरों में सबसे ज्यादा ये चीजें देखने को मिलती है। और जलवायु, भूदृश्य, मार्ग की लंबाई पे आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध निधियों पर मार्ग निर्भर करते हैं। तो ये मैटर समझ में आ गया आपको। उसके बाद में नीचे की तरफ देखते हैं, संचार। संचार क्या होता है, इसकी परिभाषा ये लिखी हुई है, इसको आप लिख लेना। संचार के अंदर संदेशों, शब्दों, तथ्यों और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। उसके बाद में जैसे कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है, यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है, जिसमें ये वास्तव में हाथ हाथ पशुओं, नाव, रेल, वायु द्वारा परिवहित होते हैं। और यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। संचार पथ किसे कहा जाता है, रेल, सड़क, वायु, पशुओं और नाव, हाथ, सभी को क्या कहा जाता है, संचार पथ। बस तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी ये लाइन ठीक लगी। तो दूर संचार क्या होता है, दूर संचार मतलब दूर बैठे हुए लोगों तक जानकारी पहुंचाना, क्योंकि तो रेडियो के माध्यम से, दूर समाचार पत्रों के माध्यम। ठीक है, सेवाएं। सेवाएं क्या होती हैं, सेवाओं का मतलब हो गया कि तुम्हें पैसे मिलेंगे और तुमने काम करना है, वो होती है सेवा। ठीक है, जैसे कि टीचर की होगी, और परामर्शदाता हो गया, धोबी घाट, धोबी घाट पे कपड़े धोने के लिए दे दिए, तो उस धोबी ने कपड़े धो के दे दिए तो पैसे ले लिए, वो चीजें आ गई। चला दिहाड़ी मजदूरी वाले बहुत सारे हो गए। उसके बाद में आपने इसमें से कुछ नहीं पढ़ना। कृत्य क्रियाकलाप में संलग्न लोग, मतलब कि कौन कौन से लोग होते हैं, उनके नाम नूम ये। और उसके बाद में आता है पर्यटन। तो पर्यटन क्या होता है, पर्यटन का मतलब है एक यात्रा जो व्यापार की बजाय प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। प्रमोद का मतलब है आनंद के उद्देश्य से। ठीक है, मतलब कि खुशी मिलनी चाहिए, घूमने के उद्देश्य से पर्यटन की जाती है, यात्रा की जाती है। और के बाद में जैसे पर्यटक प्रदेश। पर्यटक प्रदेश का मतलब क्या है कि घूमने लायक कौन कौन सी जगह है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। तो भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर कौशल स्थान, भारत का पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थानों में से एक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात यह है, जहाँ पे ना ज्यादा ठंड होगी और ना ज्यादा गर्मी, वहां पे लोग ज्यादा घूमने के लिए जाएंगे। या कई कई बार क्या होता है, शीत वाले एरिया में भी चले जाते हैं, कई बार उष्ण वाले ज्यादा एरिया में भी चले जाते हैं। मेनली वहां का भूदृश्य है इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, ये आप जरूर ध्यान रखें। मांग की, पर्यटन को जैसे मान लो कोई ए नाम का व्यक्ति है, अगर इसको कहीं घूमने जाना है तो इसको मांग होनी चाहिए कि मतलब मैं घूमने के लिए जाऊं, मतलब कि इसके पास फ्री टाइम होना चाहिए। फ्री टाइम होगा तभी ये घूमने के लिए जाएगा, मतलब कि छुट्टी होनी चाहिए तभी घूमने जाएगा, अगर बिजी रहेगा तो कैसे घूमने जाएगा। परिवहन, अब कहीं भी वो घूमने गया तो वहां पे परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, अगर परिवहन की सुविधा नहीं होगी तो वो वहां पे नहीं जाएगा, ये रीजन हो गया। अब पर्यटन आकर्षण के केंद्र कौन कौन से हैं, जिसके बीच में आता है जलवायु। जलवायु, अगर वो ठंडे प्रदेश में रह रहा है तो उसे गर्म जगह चाहिए होती है, अगर गर्म वाले प्रदेश में रह रहा है तो उसे ठंडी जगह चाहिए होती है। भूदृश्य का मतलब क्या होता है कि पर्वत, पठार और मैदान, जहाँ पे देखने को मिलेंगे अच्छे अच्छे झीलें देखने को मिलेंगी, तो वो वहीं वहीं पे चला जाएगा। तो हमें इतिहास व कला। इतिहास व कला का मतलब यह है कि प्राचीन जितनी भी रियासतें हैं या प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं मिली हैं, किले मिले हैं, महल मिले हैं, ये सारे इसमें आ जाते हैं। संस्कृति व अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है जितनी भी प्राचीन संस्कृतियां रही हैं, मतलब राजा महाराजा ने जो महल किले बनाए हैं, उन सबको भी अपने संस्कृति व अर्थव्यवस्था में शुरू रख सकते हैं। जैसे हेरिटेज होटल हो गए। हेरिटेज होटल होता क्या है, पहले वो सुनो। हेरिटेज होटल का मतलब ये होता है कि ऐसे होटल जो कि प्राचीन विरासत के हैं। प्राचीन विरासत मतलब राजा महाराजा ने वैसे के वैसे रखे हुए हैं, वहाँ का खाना पीना, रहना और वहाँ के पर्दे,
वहाँ के गेट, वहाँ की खिड़कियां, वो सारी चीजें प्राचीन टाइम की चली आ रही हैं। ठीक है, भारत में समुद्र पार हो क्यों, ये आपके बुक के अंदर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना। उसके बाद में जैसे और देखते हैं तो चतुर्थ क्रियाकलाप आते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप में क्या कह रहा है कि जो चिकित्सकीय प्रतिलेखक है, मतलब मेडिकल के अंदर जो बहुत बड़े महान ज्ञानी है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। चतुर्थ क्रियाकलापों में कुछ निम्नलिखित हैं, में सूचना का संग्रहण, उत्पादन, प्रकीर्णन, सूचना का उत्पादन, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप में आ जाती हैं। उसके बाद में ऐसे और देखते हैं तो पंचम क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप में क्या क्या आता है, उच्चतम स्तर के निर्णय लेने और नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलाप में आते हैं। ये चतुर्थ सेक्टर से ही जुड़ी है, इसमें बहुत कम ही अंतर होता है। और स्वर्ण कॉलर किसे कहा जाता है, तो ये आपका पंचम क्रियाकलाप वाले लोगों को स्वर्ण कॉलर कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद में जैसे जो नीचे गया है, तृतीयक सेक्टर वालों के बारे में बताया हुआ है, नीचे वाले जी। तो यहाँ पे अपनी आज की क्लास में भी खत्म होने पे है, होगी बस ये अंकीय विभाजक रह गया। अंकीय विभाजक क्या होता है ये देख लेते हैं। अंकीय विभाजक का मतलब है अंक प्रदान करना, किस चीज पे अंक प्रदान करना, ये देखो देशों में विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भिन्नताएं पाई जाती है। निर्णायक कारक यह है कि कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंचे और उसके लाभ प्रदान करता है। मतलब कोई भी देश है, मान लो आज भारत ही है, तो भारत अपने देश के अंदर कितनी जल्दी अपनी न्यूज को फैलाता है, जितनी जल्दी फैलाता है उसको उसके अनुसार रेटिंग दी जाती है, उसके अनुसार बताया जाता है कि ये कितने नंबर पे है, उसे हम क्या कहते हैं, अंकीय विभाजक कह देते हैं। कौन सा देश विकासशील है, कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश पिछड़ गया है, वो सारी चीजें आपके अंकीय विभाजक में आ जाती है। उसके बाद में जो बुक के क्वेश्चन है वो जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 रहने वाला है। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जाके जरूर देखना, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज का जो हमारा ये वाला चैप्टर है, इसके बीच में आपको परिवहन से रिलेटेड सारी की सारी चीजें देखने को मिलेगी, और यहीं से आपका क्या है मैप भी आने वाला है। मैप के बारे में अगर आपने वीडियोज नहीं देखी है तो उसको जाके जरूर देखना। दिल्ली की अगर आप एक वीडियो भी देखेंगे तभी भी आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे आपने मैप वाले सारे क्वेश्चंस करने हैं, और मैप से आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को, और चैप्टर का नाम है परिवहन व संचार। पहली बात तो ये है कि परिवहन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, किसका, वस्तुओं का या फिर हम कह सकते हैं व्यक्तियों का। शॉर्ट में बता दिया आपको परिभाषा, वस्तुओं या व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर आप देखें प्रॉपर डेफिनेशन देखनी होती है तो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी प्रॉपर डेफिनेशन, लिखा हुआ है परिवहन व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं परिवहन। ठीक है, ये तो हो गया परिवहन। सबसे पहले हमेशा पेपर पेपर कैसा भी आए, आपको मेनली क्या है, कोई भी चैप्टर उठाओ और उस चैप्टर का नाम से जो आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं ना वो जरूरी होते हैं। तो पहला हो गया हमारा परिवहन की परिभाषा, दूसरी है संचार की परिभाषा। संचार की परिभाषा ये है कि किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की सेवा या सुविधा को हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। और जिस माध्यम से पहुंचाई जाती है या जिन साधनों से पहुंचाई जाती है उसको क्या कहते हैं, संचार के साधन कहते हैं। तो अब आ जाते हैं परिवहन पे, तो परिवहन का मतलब पता लग गया आपको। अब इसने परिवहन को आगे बांटा हुआ है, परिवहन के कौन कौन से साधन होते हैं। तो उससे पहले अपने को ये देखना है कि परिवहन जाल क्या होता है। जाल का मतलब क्या होता है, जो चीजें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो वो क्या होता है, परिवहन जाल होता है। तो अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है वो तो हम क्या कहते हैं, परिवहन जाल कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात यह है कि मान लो ये दिल्ली है, ये चेन्नई है, ये कोलकाता है, और ये मान लो यहाँ पे आपका असम है, तो इनको आपस में जोड़ना परिवहन के माध्यम से क्या कहलाता है, परिवहन जाल कहलाता है। ठीक है,
तो इससे जो भी ये प्रारूप तैयार हुआ है, मतलब जो भी आकृति तैयार हुई है, उसको कहते हैं परिवहन जाल कहते हैं। उसके बाद में परिवहन की विधाएं, तो विधाएं क्या होता है इसके बारे में हमें पहले बताया जा चुका है। इसके बीच में विधाओं का मतलब ये हो गया कि कौन कौन से परिवहन होते हैं। पहला है स्थल परिवहन, फिर है जल परिवहन, फिर है वायु परिवहन और फिर है पाइपलाइन। ठीक है, अब अगर नॉर्मली वे में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो किसका होता है, स्थल परिवहन का होता है। स्थल परिवहन में जितनी भी सड़कें हैं, जितनी भी हाईवेज हैं, जितने भी स्टेट हाईवे हैं, ठीक है, और ग्रामीण सड़कें हैं, ने सड़क परिवहन को आगे बांटा है। तो उसके बीच में हम देखेंगे सबसे पहले इनका अंतर प्रादेशिक और अंतरा प्रादेशिक, दो मीन्स है ध्यान रखना, एक है अंतर प्रादेशिक और एक है अंतरा प्रादेशिक। दोनों का मतलब अगर नॉर्मली वे में समझना चाहें तो एक तो हो गया जैसे भारत है, भारत के अंदर राजस्थान है, तो राजस्थान के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे होगा उसको तो हम कह देंगे अंतर प्रादेशिक, और दूसरे वाले को क्या कह देंगे, अंतरा प्रादेशिक, जो कि एक देश के अंदर ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो। अपने को इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये याद रखना है कि जितने भी परिवहन है उसका प्रयोग देश के अंदर या हम कह सकते हैं राज्य के अंदर होता है, परिवहन के माध्यम से किया जाता है। पाइपलाइन को छोड़ के प्रत्येक यात्रियों और माल दोनों का वहन करता है। और बाय चांस आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि इन परिवहन के साधनों में से ऐसा कौन सा साधन है जो परिवहन यात्रियों का नहीं करता है, ठीक है, यात्रियों का परिवहन नहीं करता है, ध्यान रखना यात्रियों का परिवहन नहीं करता है, कि आपको आंसर क्या भरना है, पाइपलाइन भरना है। ध्यान रखना कभी भी नहीं वर्ड आता है तो इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है, तो लाइन का मतलब ही चेंज हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका पाइपलाइन हो जाएगा। पाइपलाइन जो है वो हमेशा द्रव्य पदार्थों का ही क्या करती है, परिवहन करती है। अब चलते हैं सड़क परिवहन के अंदर। सड़क परिवहन के अंदर अपने को जो मेनली बातें देखनी है वही अपने देखेंगे, तो जो जो मैं अंडरलाइन करूँ वही वही आप देखते रहना। एक तो यहाँ पे लिखा है प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन डर्लिंगटन के स्थानों के मध्य हुआ। फिर बाद में रेल मार्ग 19वीं शताब्दी के परिवहन से सर्वाधिक लोकप्रिय और तीव्रतम प्रकार का क्या बन गया, साधन बन गया। उसके बाद में और देखते हैं, जैसे रेल मार्गों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक महाद्वीपों के क्षेत्रों को वाणिज्य, कृषि, खनन और विनिर्माण के लिए खोल दिया। मेनली जो लाइन आपने याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेनली आपकी जो लाइन याद रखने वाली है उसके बीच में ये वाली लाइन है जो मैंने अंडरलाइन की हुई है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। उसके बाद में और देखा जाए तो, और इसके बीच में ये लिख सकते हो, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। रेल मार्ग, समुद्री पोत, बजरे, नौकाएं, मोटर ट्रक और पाइपलाइनें बड़े मालवाहक का है। बड़े मालवाहक का मतलब यह है कि बहुत सारा सामान अगर एक साथ लेके जाना है तो इन माध्यमों से हम लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, बाकी ये खच्चर खुच्चर कौन से, ये देख लो जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे खच्चरों को वरीयता दी जाती है, क्योंकि खच्चरों के माध्यम से चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके आते हैं, और ऊंट जो होते हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में परिवहन का काम करते हैं, ठीक है। और भारत में जैसे बैलों का यूज किया जाता है छकड़ों का खींचने के लिए। उसके बाद में आती है सड़कें। सड़कों के अंदर आपने जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन्स याद रखनी है, एक तो आपको शॉर्ट में मैं बता दूं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन। इनके गुण और दोष ध्यान से पढ़ लेना, इनके गुण व दोष, सारी की सारी चीज पढ़नी है इसकी, गुण व दोष क्या क्या होते हैं, क्या इनसे हमें फायदा हो सकता है और इनको बनाने से हमें क्या नुकसान हुआ है, किसमें ज्यादा पैसा लगता है, किसमें कम पैसा लगता है, किसमें जल्दी पहुंचा जाता है, किसमें लेट पहुंचा जाता है, और किस माध्यमों से यात्रियों को लेके जाया सकता है, किस माध्यमों से द्रव पदार्थ को लेके जाया जा सकता है, ठीक है। ये सारी जो बातें हैं ना, इनको तो आपने नॉर्मली पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी जितने भी चीजें मैं बता रहा हूँ उसका मतलब ये है कि अगर एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, बड़े वाले क्वेश्चन तो आपको ये पढ़ने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पे अगर अपना देखा जाए तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसका 33% भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। विश्व की कुल मोटर वाहनों वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई 1.5 लाख या 150 लाख किलोमीटर है, और जिसका 33% भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट तो हो जाती है क्योंकि
150 लाख किलोमीटर के अंदर से 33% सिर्फ कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में है, मतलब कि उत्तर अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा सड़कों का विकास किया गया है। ठीक है, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या पश्चिमी यूरोप की तुलना में इस महाद्वीप में पाई जाती है। कौन से महाद्वीप में पाई जाती है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको सड़क घनत्व भी अधिक देखने को मिल रहा है और अधिक से अधिक वाहनों की संख्या भी कहाँ पे देखने को मिल रही है, उत्तरी अमेरिका के अंदर देखने को मिल रही है। उसके बाद में अगर और देखें तो यहाँ पे और तो इसमें ये देख लो, ये वाला भी इम्पोर्टेंट लग रहा, ये जो जापान है इसका देख लो, जापान का जो एरिया है उसने बताया सड़कों की लंबाई के हिसाब से बताया, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए कितनी सड़कें बनाई गई हैं, कितनी सड़कों की लंबाई रखी गई है, तो 327 किलोमीटर रखी गई है, ये याद रखना। जापान की सबसे पहले नंबर पे है, ठीक है, और उसके बाद में अगर देखी जाए तो फ्रांस की है, फिर यूके की है, यूके के बाद श्रीलंका की है, और फिर अपने इंडिया का नंबर आता है। तो इंडिया जो है यहाँ पे कितने नंबर पे है अपना, 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब 5वें नंबर पे हमारा इंडिया है सड़कों की लंबाई के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद में अगर अपने और देखें तो महामार्ग क्या होता है, महामार्ग जैसे कि नाम से पता लग रहा है, महा मतलब बड़ा और मार्ग मतलब रास्ता, तो महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं, इसको क्या कहते हैं, महामार्ग कहते हैं। और यातायात के अबाधित परिवहन की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन, पुलों, फ्लाईओवरों और दोहरे वाहनों मार्गों से युक्त 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं, और विकसित देशों में प्रत्येक नगर पतन नगर महामार्गों द्वारा जुड़े होते हैं। अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाए कि महामार्ग किन किन को जोड़ते हैं, तो दूरस्थ स्थानों को जोड़ते हैं, उसके बीच में भी इंपॉर्टेंट प्रत्येक नगर को जोड़ते हैं, और पतन नगर जितने भी हैं उनको भी जोड़ते हैं। और एक और चीज, अगर आ जाए कि ऐसा कौन सा परिवहन का साधन है जिसके बीच में अबाधित यात्रा की जा सकती है, तो उसके बीच में आप महामार्ग लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि महामार्ग में एक साइड से जाने की लाइन होती है और एक साइड से आने की लाइन होती है, मेनली महामार्ग ही लिखना है। वैसे अगर देखा जाए तो रेल परिवहन में भी बाधाएं आ सकती हैं, या रेल परिवहन के अंदर भी आएगी थोड़ी बहुत बाधा, उसके अलावा वायु परिवहन में भी बाधाएं आ सकती हैं। अमेरिका में महामार्गों का घनत्व सबसे उच्च है, जो कि अपनों ने पहले पढ़ लिया, इतना है देखना है तो 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके अलावा प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, इतना ज्यादा याद नहीं रखना है। पश्चिम प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित नगर पूर्व में अटलांटिक महासागरीय तटीय पर स्थित नगरों से भलीभांति जुड़े हुए हैं। सीधी सी बात यह है कि अमेरिका का पश्चिमी वाला भाग पूर्वी भाग को जोड़ता है, वो किससे जुड़ा हुआ है, महामार्गों से जुड़ा हुआ है, इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, ये अटलांटिक महासागरीय तट और पश्चिमी प्रशांत महासागरीय, मेनली जो आपको पॉइंट याद रखना है वो है ट्रांस कनेडियन महामार्ग। पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान को पूर्वी तट के न्यू फाउंडलैंड से जोड़ता है, सेंट जॉन नगर को जोड़ता है, और अलास्का राजमार्ग कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एंकोरेज से जोड़ता है। इसके बीच में दो आगे, एक तो आ गया ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग, या आपने कह सकते हैं ट्रांस कनेडियन महामार्ग, और उसके अलावा एक अपना अलास्का रेल मार्ग। ठीक है, ये दो है, इसके बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अलास्का और ट्रांस कनेडियन, इसके बारे में आपने पढ़ना पड़ना है। उसके बाद में अगर अपने नीचे की तरफ चलें तो ये देख सकते हैं, यूरोप में वाहनों की संख्या विशाल विशाल है और महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है, परंतु महामार्गों को रेल मार्गों व जल मार्गों के साथ कड़ी प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ता है। रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों के अत्यधिक सघन, इसको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, रूस वाला जो साइबेरियन, जो साइबेरियन रेल मार्ग है वो आपने जरूर पढ़ना है, साइबेरियन वाला। उसके बाद में जैसे चीन में महामार्गों को मुख्य नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं, उदाहरण ये शांशो, संघाई, ये भी आपको इतना ज्यादा नहीं पढ़ना। भारत में अनेक महामार्ग मिलते हैं जो प्रमुख शहरों और नगरों को जोड़ते हैं, जिसमें राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, और देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है, तो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है, 7 नंबर। स्वर्ण चतुर्भुज योजना याद रखना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद को जोड़ने की एक योजना शुरू की है, या ये योजना है। अफ्रीका में एक महामार्ग उत्तर में स्थित अल्जीरियस को गुआना से कॉर्निकी को जोड़ता है, और कैरो कैप, ये मत पढ़ना। ठीक है, तो बाद में आती है सीमावर्ती सड़कें,
चलो सीमावर्ती सड़कें आज खत्म कर देते हैं, उसके बाद में जो आगे का मैटर है वो आपको कल की वीडियो के अंदर जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा। सीमावर्ती सड़कें क्या होती हैं वो देखो, सीमावर्ती सड़कें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय जो क्षेत्र है या अंतर्राष्ट्रीय कोई भी देश है उसके साथ जो भी सीमा लगती है उसको हम सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। और ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऐसी कौन सी सड़कें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय देशों के करीब होती है, तो उनको क्या कह देते हैं, सीमावर्ती सड़कें। ये क्वेश्चन ही बनने के चांस है। सीमावर्ती सड़कें सभी देशों में गांव व सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए ऐसी सड़कें बनाई जाती हैं। तो इनका क्या इंपॉर्टेंट है तो ये पढ़ लेना, कल की वीडियो के अंदर आगे का मैटर पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। हेलो दोस्तों, तो कल की वीडियो अपने जहाँ पे छोड़ी थी 12th क्लास की उससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे है रेल मार्ग। तो रेल मार्ग जो है वो लंबी दूरियों को तय करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बड़ी लाइन जो होती है वो 1.5 मीटर से अधिक, मानक लाइन जो होती है वो 1.44 मीटर, मीटर लाइन जो होती है वो 1 मीटर और छोटी लाइन में वर्गीकृत किया है। अब ध्यान रखना है इसके बीच में छोटी लाइन के बीच की दूरी नहीं बताई हुई है, दूसरी वाली जो आपकी भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाली बुक है उसके बीच में बताई हुई है। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग हैं। थोड़ी सी लाइन है, क्या पता इस पे क्वेश्चन बन जाए, बाकी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर चलते अपने नीचे की तरफ, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षेत्र है रेल मार्ग को लेके। यूरोप में विश्व का संगमतम रेल तंत्र पाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन, औद्योगिक प्रदेश विश्व के सर्वाधिक घनत्वों का प्रदर्शन करते हैं। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन और वारसा महत्वपूर्ण रेल केंद्र है। बस एक बार पढ़ लेना आंखों के आगे से, एक बार गुजार दो ताकि क्या पता इस पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। बाकी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताता जाऊँगा। ये जो मास्को है ये रेलवे का महत्वपूर्ण मुख्यालय है। अब ये मास्को कहाँ पे है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो मास्को है ये कहाँ पे है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्वेश्चन कम ही चांसेस है इस पे कोई क्वेश्चन बने, बाकी ये देख लेना ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। यहाँ केवल एक महाद्वीपीय पारीय रेल मार्ग है जो एंडीज पर्वतों के पार 3900 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित उस प्लाटा दर्रे से गुजरता हुआ ब्यूनस आयर्स को वालपराइज़ो से मिलाता है। तो एक पारीय महाद्वीप, महाद्वीप पारीय रेल मार्ग है, ये थोड़ा सा याद रखने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखते हैं तो सबसे मतलब बड़ा विशाल महाद्वीप कह सकते हैं रेल मार्गों के हिसाब से तो एशिया, एशिया है। उसके बाद में यहाँ पे महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग बताए हुए हैं, जैसे वेंगुला रेल मार्ग जो इसको इससे जोड़ता है, तंजानिया का रेल मार्ग बोस्वाना और जिम्बाब्वे से होते हुए ये सारे अफ्रीका के हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का गणतंत्र में कैपटाउन से ब्लू ट्रेन, इतना ज़्यादा याद करने वाली दिक्कत नहीं है, इसको मत पढ़ना, ठीक है, ये वाला एरिया को जो मैंने अभी अभी आपको बताया। उसके बाद में अब चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, जिसका मतलब ये है कि कोई भी एक महाद्वीप है उस पूरे महाद्वीप को जोड़ने वाला एक रेल मार्ग है जिसे हम कहते हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ठीक है। उसके बाद में अपने नीचे की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले आता है पार साइबेरियन रेल मार्ग। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, आपने इसमें क्या क्या पढ़ना है, पार साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपका व्लाडिवोस्टक तक है, कहाँ से, सेंट पीटर्सबर्ग से। ये आपके सामने डायग्राम भी बना हुआ है, यहाँ पे क्लियरली शो नहीं होता, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लाडिवोस्टक। और इसके अलावा मैंने आपको एक याद करवाया था, अगर कहीं पे आपको सर्क देखने को मिलता है या बर्ग देखने को मिलता है तो वो आपने कौन सा भरना है, या आपने रूसी भरना है, ठीक है। वर्ल्ड का मैप भी करवाया था ना, इसको आपने ऐसे ही याद करना है। उसके बाद में जैसे और देखें तो के बीच में दूसरा आता है आपका पार कनेडियन रेल मार्ग। पार कनेडियन कनाडा के अंदर है, कहाँ से लेके कहाँ तक है वो आपने देखना है। पूर्व में हेलीफैक्स से लेकर और वैंकूवर तक जाती है, पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है।
इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है, अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाए कि पार साइबेरियन रेल मार्ग किस महासागर को किस महासागर से जोड़ता है, तो उसका थोड़ा बहुत ध्यान रखना। कई बार क्या है, ये महासागर को जोड़ता होता है और कई बार नहीं जोड़ता होता, तो दोनों चीजें ही हो सकती हैं। जैसे ये जो आपका पार साइबेरियन रेल मार्ग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे प्रशांत महासागर है, इस वाली साइड में प्रशांत महासागर है, और इधर वाली साइड आपका कोई महासागर नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन आया था, कई बार नहीं आता है, तो बस आपको जो मेन याद रखना है कि किसको किससे जोड़ता है वो याद रख लेना, और इसके बीच का जो एरिया है उसको जरूर याद करना। जैसे मैंने बताया सर्क और बर्ग नाम के इनके बीच में क्षेत्र आते हैं, तो मास्को भी जो है वो कहाँ पे, आपका रूस के अंदर ही है क्या मास्को। अब चलते हैं नीचे की तरफ, तो ये आपका पार कैनेडियन रेल मार्ग है। उसके अलावा एक और है, जैसे ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किसको किससे जोड़ता है, तो पर्थ से लेकर सिडनी को जोड़ता है, ये लिखा हुआ, पर्थ से लेकर सिडनी को मिलाता है। फिर आता है एक ओरिएंट एक्सप्रेस, तो ये ओरिएंट एक्सप्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है, पेरिस से लेके इस्तांबुल तक जाती है, ठीक है, ये यूरोप वाली साइड का हो गया आपका, पेरिस से इस्तांबुल। इनके जो एरिया है ना, इनको आप जरूर देखें, क्योंकि इन्हीं एरियों से ही आपका वर्ल्ड के मैप में क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद में आता है जल परिवहन। जल परिवहन क्या होता है, जल के माध्यम से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। गुण दोष मैंने आपको बता दिए हैं कि गुण दोष आपने पढ़ने पड़ने हैं। उसके अलावा जैसे समुद्री मार्ग है, समुद्री मार्ग में जैसे उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, इसका मतलब यह है कि विश्व के विकसित दो प्रदेशों के बीच में उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। जैसे कि आप मैप देख सकते हैं ये रहा, तो इसके बीच में ये वाला आपका उत्तरी अमेरिका, इसको क्या है पश्चिमी यूरोप से भी मिलाएगा, यूरोप आपका इस साइड में है, उत्तरी अमेरिका पश्चिमी यूरोप को भी मिलाता है, और आपका हम कह सकते हैं पूर्वी एशिया वाले क्षेत्र को भी मिलाता है। तो दोनों एरिया को मिलाता है, पश्चिमी यूरोप को भी मिलाता है और पूर्वी एशिया को भी मिलाता है, ठीक है। उसके अलावा एक ये क्वेश्चन बनता है, वृहद ट्रंक मार्ग किसे कहा जाता है, तो ये जो ट्रंक मार्ग है, विश्व का एक चौथाई विदेशी व्यापार इस मार्ग द्वारा परिवहित होता है, और इसे विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जल मार्ग कहा जाता है। ये व्यापारिक जल मार्ग कौन सा है, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है, अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है, वो कौन सा जल मार्ग है, बृहद ट्रंक मार्ग के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर। भूमध्य सागरीय, हिंद महासागरीय, समुद्री मार्ग, इसके बीच में क्या है, तो यहाँ पे स्वेज नहर के ऊपर क्वेश्चन बनने के चांस है, ये वाला अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जैसे अपने नीचे की तरफ देखते हैं, उत्तमाशा अंतरीप समुद्री मार्ग ये कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर के पार, यह एक अन्य समुद्री मार्ग है जो पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को जोड़ता है। बस इतनी सी लाइन आपने याद रखनी है यहाँ से लेके, और इसके अंदर कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। बाकी एरिया बताया हुआ है, रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है, केप टाउन कहाँ पे है, तो ये तो आपको मैप देखना ही पड़ेगा कि मैप के अंदर कहाँ कहाँ पे कौन कौन, ये मत करना चाहे उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग मत करना। इसके बीच में मेन अब यही है, एक स्वेज नहर का निर्माण कब कहाँ किसके द्वारा होगा, कौन से महासागरों को जोड़ता है, किन किन महाद्वीपों को जोड़ता है, और उसके अलावा जो भी इसकी खासियत है वो, उसके अलावा पनामा नहर, पनामा नहर में सेम यही बातें, किसको किससे जोड़ती है, किसको किससे अलग करती है, कौन सा महासागर बीच में आता है, कितनी दूरी कम हुई है, कितनी लंबाई है, कब इसका उद्घाटन किया गया है, कब बना था ये, ठीक है। उसके बाद में आंतरिक जलमार्ग, आंतरिक जलमार्ग का मतलब क्या होता है कि एक देश है उसके बीच में नदियां बहती हैं, तो नदियां बहने में और वहीं से क्या है सामान का आवागमन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। उसके अलावा जैसे राइन जलमार्ग है, तो ये जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है राइन नदी, तो ये आंतरिक जलमार्ग का उदाहरण है। बस ये याद रखना है, राइन नदी किसका उदाहरण है, आंतरिक जलमार्ग का उदाहरण है, इतना बहुत है इसका। इसके अलावा डैन्यूब जो है, डैन्यूब जो आपका ये यूरोप की है, ठीक है, यूरोप का जलमार्ग है, और वोल्गा नदी भी कहाँ पे है, रूस के अंदर है, वोल्गा नदी कहाँ पे है, रूस में है, और डेन्यूब जो है ये यूरोपीय भाग में है। इसके अलावा बृहद झीलें, सेंट लॉरेंस ये मत पढ़ना चाहे, उत्तरी अमेरिका की है पांच, इनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है, सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो, और एक और थी सुपीरियर, हीरी, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो और मिशिगन, मिशिगन, ये पांच ऐसी हम कह सकते हैं झीलें हैं जिनको ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है, पांच हैं।
झीलें सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग कहाँ पे है? तो ये अमेरिका के अंदर है, उत्तरी अमेरिका में। मिसिसिपी जो जलमार्ग है ये कहाँ पे है? तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। इसके अलावा वायु परिवहन है, तो वायु परिवहन तो आपको नॉर्मली देखना है, वायु परिवहन के गुण व दोष क्या होते हैं। अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग मतलब एक ही महाद्वीप के अंदर जो देशों में घुमाता है उसको कहते हैं अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग। ये करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। इसके अलावा पाइपलाइन, पाइपलाइन इंपॉर्टेंट है। एक तो पाइपलाइन के गुण व दोष, तो उसके बीच में आपको ये पता लग जाए पाइपलाइनों से क्या क्या चीजें पहुंचाई जाती हैं। जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरलीय व गैसीय पदार्थों को पहुंचाया जाता है। उसके अलावा इसमें दूध को भी पाइपलाइनों के माध्यम से पहुंचाया जाने लगा है। बिग इंच एक ऐसी पाइपलाइन है, प्रसिद्ध पाइपलाइन जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तरी पूर्वी राज्यों में तेल ले जाती है। बिग इंच क्या है? तो बिग इंच एक पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्तरी पूर्वी राज्यों में तेल को लेके जाती है, ठीक है, ये बिग इंच याद रखना। इसके अलावा संचार क्या होता है? तो संचार के बारे में बता दिया। लंबी दूरियों के संचार हेतु मनुष्य ने अनेक को प्रयोग किया, जिसमें टेलीग्राफ, टेलीफोन, मतलब कि एक सूचना को दूसरी जगह तक पहुंचाने की जो विधि है उसको हम संचार कहते हैं। संचार के कई साधन है जिसमें टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीविजन, इंटरनेट हो गया, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। साधन बताने हैं तो इंटरनेट यहाँ पे देख लेना, इंटरनेट भी आ जाएगा। उसके बाद में उपग्रह संचार, उपग्रह संचार का मतलब ये है कि टीवी के ऊपर जितनी भी न्यूज आती है तो वो सारी की सारी उपग्रह से टकरा कर या हमारे पास तक पहुंचती है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं बचा, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। ये पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग इनके मध्य से है, तो ये आपको अभी तक पता नहीं होगा, तो इसका आंसर आपकी बुक के अंदर करवाए हुए उसको चेक कर लेना। किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम पाया जाता है? तो ये आपका रूस वाली साइड में है, चेक करना इसको, रूस या संयुक्त अमेरिका में से एक है। बृहद ट्रंक मार्ग, ये क्वेश्चन आपको करा दिया है तो जाके जरूर देखना। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या प्रवाहित किया जाता है? तो तरल गैस, तेल।